नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग का क्या डिस्कस करने वाला है, आज हम लोग को यूपीएस रिडंडेंसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। मतलब जो पहले वीडियो हम लोग को क्या डिस्कस किया, मॉडल लेवल रिडंडेंसी मतलब क्या बोल के हम लोग को डिस्कस किया था, वो वीडियो को अभी तक आप लोग को नहीं देखने से उसको जाके देख लीजिए। उसका लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज क्या टॉपिक है, आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब यूपीएस रिडंडेंसी है, लेकिन यूपीएस सिस्टम रिडंडेंसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। जो पहले जो हम लोग को डिस्कस किया जो मॉडल रिडंडेंसी, ये तो सिस्टम रिडंडेंसी, मतलब सिस्टम रिडंडेंसी में हम लोग को तीन चीज आदमी लोग बहुत यूज करेगा, एन यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, फिर एन प्लस वन यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, फिर एन प्लस एन यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, एन प्लस एन यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जो एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर ऐसा बोल सकता है, लेकिन इसका बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। अभी मान लीजिए हमारे पास एक यूपीएस है, ओके, ये तो 100 किलोवाट यूपीएस बोल के मान लीजिए। इधर में क्या है, स्टैटिक बाईपास स्विच रहेगा, इधर में 25 किलोवाट, इधर में 25 किलोवाट, फिर इधर में 25 किलोवाट, फिर 25 किलोवाट ऐसा रहेगा, 25 किलोवाट, 25 किलोवाट, 25 किलोवाट, 25 किलोवाट, ये तो स्टैटिक बाईपास स्विच 100 किलोवाट रहेगा, ठीक है। आज इसको इधर को हम लोग इनपुट इधर दे रहा हूँ, आउटपुट इधर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी अब मान लीजिए मेरा जो एन मतलब क्या है, कैपेसिटी मतलब हमारा लोड क्या है। अभी मान लीजिए मेरा लोड जो 100 किलोवाट है, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, जो 100 किलोवाट बोलने से मतलब 100 किलोवाट नहीं यूज कर सकता है, जो कुछ मॉडल रूपीस आता है उसी का एफिशिएंसी 99.99 ऐसा कुछ है, 100% का एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है, यूपीएस का एफिशिएंसी में बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ लॉस होता है ना, उसको बोल रहा हूँ। अभी जो इनपुट मतलब इनपुट आउटपुट में इनपुट इधर लेता हूँ, फिर आउटपुट इनपुट इधर लेता हूँ, फिर आउटपुट इधर लेता हूँ, जो मेरा जो लोड है 100 है, मतलब एन मतलब 100 है, तो डिसाइड कर दिया। अभी 100 मतलब क्या है, पूरा इधर का जो मॉडल पावर मॉडल है ना, पूरा एक्टिव रहेगा, ठीक है, तो यूपीएस पूरा जो चलते रहेगा, इसका रिडंडेंसी नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम है। हम लोग क्या बोलता हूँ, एन यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, नहीं तो एन प्लस जीरो नॉन रिडंडेंट यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, ऐसा हम लोग को बोलता हूँ। फिर एन प्लस वन मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है एक यूपीएस, इधर एक यूपीएस है, इधर एक यूपीएस है, ठीक है, 100 किलोवाट का यूपीएस, 100 किलोवाट का यूपीएस, जो इनपुट अलग अलग इनपुट है, लेकिन आउटपुट है ना जो कॉमन आउटपुट है, ये तो आउटपुट है, इनपुट इनपुट कॉमन आउटपुट। मैं तो पहले बता दिया, जो हमारा मेरा जो एन मेरा जो लोड कैपेसिटी है 100 किलोवाट, अगर इसमें देखो 100 प्लस 100 मतलब एन जो मतलब जो मेरा किलोवाट रहता है उसी का अगर एक डबल कैपेसिटी मेरा पास है, इसी को हम लोग क्या बोलता हूँ, एन प्लस वन भी बोलता हूँ। अगर अभी अभी मान लीजिए अब इधर का जो 50% लोड है, 50% लोड है, अगर कुछ ना कुछ यूपीएस बंद हो गया, कुछ ना कुछ ये तो बंद हो गया, फिर इधर का 50% इधर चलेगा, मतलब रिडंडेंसी है, ये यूपीएस का रिडंडेंसी है, इधर का ये यूपीएस का ये रिडंडेंसी है, मतलब रिडंडेंट इसका ये रिडंडेंट यूपीएस है, इसका ये रिडंडेंट यूपीएस है, मतलब ये ऐसा वाला सिस्टम को एन प्लस वन में हम लोग को बोलता हूँ। अगर इसका बाद में अवर एक यूपीएस रहने से हम लोग को क्या बोलता हूँ, एन प्लस टू रिडंडेंसी बोल के बोलता हूँ। फिर इसका साथ में अवर तो यूपीएस रहने से इसको एन प्लस फोर कॉन्फ़िगरेशन, एन प्लस फोर रिडंडेंसी है बोल के हम लोग को बोल सकता है, मतलब लेकिन सभी यूपीएस का आउटपुट कॉमन आउटपुट है, कॉमन बस रहेगा, कॉमन जो बस रहेगा, ऐसा वाला सिस्टम रहने से हम लोग को एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस टेन भी हम लोग जो कुछ रिडंडेंसी जो है ऐसा रिडंडेंसी चाहिए ऐसा आप लोग को यूटिलाइज कर सकता है, ये जो ऐसा वाला पैरेलल सिस्टम है ऐसा होता है। फिर एन प्लस एन मतलब क्या है, जो एन प्लस जीरो, ठीक है, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस, ठीक है, एन प्लस एन मतलब क्या है, एन प्लस एन मतलब मतलब अभी इधर का एक यूपीएस है, अभी इधर का एक यूपीएस है, ठीक है, अभी इधर 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 के लिए हम लोग इनपुट दे रहा हूँ, इधर के लिए आउटपुट दे रहा हूँ, फिर इधर के लिए इनपुट, इधर के लिए आउटपुट, लेकिन मेरा जो लोड है जो जाएगा वो लोड में ड्यूअल सोर्स रहेगा, मतलब इधर का एक, इधर का एक, मतलब ड्यूअल सोर्स मतलब इसमें एटीएस नहीं तो एसटीएस ऐसा रहेगा बोल के मान लीजिए, ठीक है, एटीएस एसटीएस रहेगा बोल के मान लीजिए, जो क्या क्या रहेगा, अभी इधर का, अभी इधर 50% है, इधर में 50% है, ठीक है, ऐसा वाला चीज में जो इधर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये यूपीएस प्रॉब्लम हो गया, मतलब इधर का जो 50% इधर जाएगा कैसे जाएगा, मतलब जो पैरेलल कॉमन आउटपुट तो नहीं है, लेकिन जो लोड का आगे हम लोग को ड्यूअल सोर्स मतलब एटीएस एसटीएस रहेगा वो चेंज करेगा वो सोर्स को,
एक्सा वाला सिस्टम को हम लोग को एन प्लस एन सिस्टम बोल के हम लोग को बोलता हूँ। जो कॉमन बस रहने से हम लोग को एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री ऐसा बोलता हूँ। जो कॉमन बस नहीं है मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो नहीं है, जो कॉमन बस में प्रॉब्लम हो गया तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कॉमन बस तो नहीं है। एटीएस एसटीएस का आगे में एटीएस एसटीएस तक ये तो अलग पावर जाएगा, उधर में जाके एक पावर जाएगा। कभी भी वो जो हमारा लोड किसी में इसमें रहेगा नहीं तो इसमें रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जो ज्यादा ऐसा वाला सिस्टम ज्यादा जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में ऐसा वाला सिस्टम आप लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना है। इसमें ज्यादा कुछ हम लोग डिस्कस कर सकता है, लेकिन जो वीडियो का लेंथ जो बहुत जाएगा, जो देखने वाला मतलब जो आदमी लोग को जो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, जो हम लोग को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कुछ आप लोग को डाउट है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग को दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कुछ आप लोग को अच्छा लगने से, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को सीख गया बोल के आप लोग को दिल में जो लगने से, आप लोग को ये वीडियो को लाइक करके आपके फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।